दिल्ली में जो बैठकों का सत्र जारी था उसके बाद देवेंद्र फडणवीस इन बैठकों को खत्म करके आज ही दिल्ली से मुंबई लौटे और उन्होंने थोड़ा भी वक्त जाया न करते हुए आज देर रात को ही यहां पर राजभवन पहुंचे, अपनी पूरी टीम को लेकर पहुंचे। यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वक्त जाया नहीं करना चाहती और अगर आज ही वो इस तरह का लेटर सबमिट करती है जो कि बहुमत सिद्ध करने के लिए सरकार पर एक प्रेशर लाए, तो मुझे लगता है कि अगर आज रात को ही लेटर दे दिया गया है तो कल सुबह पहली बात जो राज्यपाल या राज्यपाल भवन के सेक्रेटरीट से होगी तो वो ये है कि यहां से एक लेटर जाएगा महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी को और उसमें कब जो हाउस स्पेशल सेशन है वो कन्वीन करना है उसकी तारीख बताई जाएगी या तो उन्हें पूछा जाएगा कि किस तारीख पर ये स्पेशल सेशन हम ले सकते हैं। ज्यादातर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तारीख राज्यपाल बताएंगे, जो कि अटकलें लगाई जा रही है कि 30 तारीख यानी 48 घंटे के बाद स्पेशल सेशन कन्वीन हो सकता है और इस स्पेशल सेशन में एक ही दिन में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग जो है बीजेपी ने भी की है और जब देवेंद्र फडणवीस से आज तक ने बाइट देने के बाद में पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर ही यहां पर हाउस कन्वीन किया जाए। तो उसी तरह की सूचना, उसी तरह के निर्देश जो है राजभवन से महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी को चले जाएंगे और जो कि कल सुबह तक ही हो जाएगा। बिल्कुल मुनीश, दूसरी तरफ अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो सियासी तौर पर ये जिस तरह से प्ले आउट हो रहा था, अब एकनाथ शिंदे गुट को भी तय करना है, एक इमरजेंसी मीटिंग वहां भी चल रही है, उनको ये तय करना है कि वहीं गुवाहाटी में रहेंगे या जैसा राउत कह रहे हैं कि चौपाटी में आएंगे, क्योंकि आखिरकार ये एक क्लाइमेक्स पर पूरा मामला पहुंच रहा है। उनकी तरफ से क्या फील आ रहा है, क्योंकि अब बताया गया था कि होटल के डेट्स को एक्सटेंड करा लिया उन्होंने, वहीं और रुक रहे हैं। जी देखिए, इस सिलसिले में मैंने कई लोगों से बातचीत की और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बीजेपी ने अपने जितने भी एमएलएज हैं उन सबको निर्देश दिया हुआ है कि वो मुंबई और उसके आसपास में रहें, कभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए आपको बुलाया जा सकता है, कोई भी छुट्टी पे ना जाए या मुंबई छोड़कर बाहर न जाए। तो बीजेपी ने तो अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। जहां तक आप बात कर रही हैं कि क्या एकनाथ शिंदे के साथ जो नेता हैं उनको मुंबई आने न आने की रणनीति है, उसी को लेकर थोड़ी देर पहले एक मीटिंग भी एकनाथ शिंदे ने की थी, वहां पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उन एमएलएस को मुंबई आना है कि नहीं आना है, ये रणनीति पहले से ही तय हो चुकी है। फिलहाल के लिए जो बातें समझ में आ रही हैं उससे यह बात साबित हो रही है कि भले ही अगर जो एकनाथ शिंदे के साथ में एमएलएस हैं वो अगर गुवाहाटी में भी रह जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा आरोप लगाया था एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उनके एमएलएस इसलिए मुंबई में नहीं आ रहे हैं या फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा इसलिए उन्होंने खटखटाया नहीं था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कई ऐसे नेता भी थे, खुद आदित्य ठाकरे ने कहा था कि एयरपोर्ट से जो असेंबली है उसका रास्ता जो है वो वर्ली होकर जाता है। तो इस तरह की धमकियों के बीच में क्या एकनाथ शिंदे का कैंप जो है वो आने की कोशिश करेगा मुंबई, पहला। दूसरा ये है कि अगर वो मुंबई आते हैं तो जो शिवसेना के यहाँ पर नेता हैं वो तुरंत सक्रिय हो जाएंगे कि किसी भी तरह से उन्हें शिवसेना में शामिल करने की गुजारिश की जाए, किसी भी तरह उनको अपने पक्ष में लेकर आया जाए। एक दूसरा खतरा क्या शिवसेना और बीजेपी, जो कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो और बीजेपी लेना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो ऐसे में अभी भी अटकलें यहीं पर अटकी हुई हैं कि क्या एकनाथ शिंदे के साथ में जो 40 शिवसेना के एमएलएज हैं और 10 इंडिपेंडेंट्स हैं उनके पास में, क्या वो खुद उन एमएलएज को लेकर मुंबई आएंगे या नहीं आएंगे। और दूसरा ये रहेगा कि अगर वो नहीं भी आते हैं तब भी बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी के सूत्र जो हैं उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वो सरकार शिवसेना के साथ ही बनाएंगे, यानी कि अगर उस दिन सरकार गिरती भी है तो भी उनकी जो सरकार है वो शिवसेना के साथ में रहेगी, लेकिन वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं होगी, ये शिवसेना होगी तो वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी। और उसी के लिए उन्होंने यह भी रणनीति बना ली है कि कल को जब ये मामला फंसेगा कि आखिरकार शिवसेना किसकी है तो इलेक्शन कमीशन के सामने भी क्या दलील देनी होगी, वो सब की तैयारी भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की टीम करके रखी हुई है। साहिल, क्या हलचल इस वक्त है, जल्दी से चलते हैं, साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या हलचल है इस वक्त और क्या राज्यपाल ये जो बीजेपी की तरफ से गुजारिश है कि फ्लोर टेस्ट कराइए इसको मानेंगे?
देखिए अंजना, सबसे पहले तो जो खत देवेंद्र फडणवीस की तरफ से गवर्नर को दिया गया है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को, वो खत मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। ये खत हमारे हाथ में आज तक के हाथ में लगा है और इस खत में यह लिखा हुआ है कि बीजेपी शिवसेना ने एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस चुनाव के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। हम ये देख रहे हैं कि शिवसेना के अंदर पिछले 8 से 9 दिन में हम देख रहे हैं कि अंतर्गत संघर्ष, इंटरनल रिफ्ट वहां पर पैदा हुई है और वो लोगों को एनसीपी और कांग्रेस के साथ अब गठबंधन नहीं चाहिए। शिवसेना के 39 विधायक ये गठबंधन खत्म करने की मांग कर रहे हैं और उसके 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 उसका समर्थन कर रहे हैं कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें लगता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में अपना बहुमत वो खो चुके हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बात का जिक्र किया है अपने खत में कि शिवसेना के विधायकों को धमकियां दी जा रही है। 40 शव गुवाहाटी से वापस आएंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत कर रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना के बाकी नेता भी इसी तरीके की धमकी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संदर्भ में जो सबूत हमारे पास है वो भी हम इस खत के साथ आपके सामने रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं। उसके आगे वो लिखते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन में बहुमत यही सर्वोच्च होता है और इसके अलावा कोई भी सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती, और इसीलिए आपसे हम गुजारिश करते हैं कि मुख्यमंत्री को कहे कि इस सदन में अपना बहुमत सिद्ध करे। इस तरीके की विनती उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास की है। अब महाराष्ट्र में कोई भी ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस खत के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिख सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि इस मामले में जो सबूत हमारे पास है वो सबूत भी हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने अपने खत में यह भी लिखा है कि इस मामले में कि क्या राज्यपाल इस तरीके से मुख्यमंत्री को विपक्ष के कहने पर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं क्या। उस मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय के इससे पहले के डिसीजन है, जो फैसले हैं, वो भी हम इस खत के साथ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बाकायदा एक पूरी केस बनाकर राज्यपाल के सामने रखी गई है। अब राज्यपाल इस मामले को लेकर मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अंजना मैंने शिवसेना के भी कुछ नेताओं से बात की है और उन्होंने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही राज्यपाल का खत हमें मिलता है, मुख्यमंत्री कार्यालय को मिलता है, उसके बाद हम तुरंत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।